नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभागाध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। आज सब्जेक्ट कोड MR 202 के चैप्टर नंबर 4 पे आधारित कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस के ऊपर आपको ये लेक्चर दूंगा। सबसे पहला सवाल है कि विंडो एयर कंडीशनर के अंदर सामान्यतः कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस काम में लिया जाता है। तो नॉर्मली जितने भी विंडो जैसे मार्केट के अंदर आते हैं उनमें कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर काम में लेते हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं जो कि छोटी यूनिट के अंदर इसको काम में लेने से होते हैं। अतः इसका सही उत्तर है सी, कैपिलरी ट्यूब कैपिलरी नली का। दूसरा सवाल वापस से एक्सपेंशन डिवाइस रिलेटेड ही है कि 1.5 टन क्षमता के स्प्लिट एयर कंडीशनर में कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस काम आता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कैपेसिटी लिखी हुई है, इसका मतलब कि स्प्लिट एयर कंडीशनर जितने भी आते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस आए। कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग डिवाइस उनके अंदर आ सकते हैं, मगर सामान्यतः 1.5 टन कैपेसिटी का जो स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर वापस से कैपिलरी ट्यूब ही काम में लेते हैं एज अ एक्सपेंशन डिवाइस। तो इसका भी जो सही उत्तर है वो है सी, कैपिलरी नलिका या कैपिलरी ट्यूब। अगला सवाल है मौसम के आधार पर एयर कंडीशनर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है समर एयर कंडीशनर, विंटर एयर कंडीशनर, ऑल ईयर राउंड एयर कंडीशनर। तो मौसम के आधार पर ये तीनों तरह के होते हैं, तो इसके लिए इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। यदि गर्मियों का सीजन है तो समर एयर कंडीशनर काम लेंगे, सर्दियों का है सिर्फ सर्दियों के लिए काम में ले रहे हैं तो विंटर, और यदि कोई ऐसा एयर कंडीशनर है जो कि सर्दी गर्मी पूरे साल काम में ले सकते हैं तो उसको बोला जाता है ऑल ईयर राउंड पूर्ण वर्षीय वातानुकूलन। तो इसका सही उत्तर है डी। सवाल नंबर 4 है सामान्यतः विंडो एयर कंडीशनर की अधिकतम कैपेसिटी क्या होती है, जो बाजार में उपलब्ध है उनमें अधिकतम कैपेसिटी क्या होती है। तो सामान्यतः 1 टन, 2 टन, 2 टन और 1.5 टन के एयर कंडीशनर उपलब्ध होते हैं। अधिकतम जो कैपेसिटी होती है वो 2 टन होती है, तो इसका सही उत्तर है बी, 2 टन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है FCU से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपको इंग्लिश में ऑप्शन देखने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फैन कूल यूनिट, फैन कूलिंग यूनिट, फास्ट कूलिंग यूनिट एंड फ्री कूलिंग यूनिट। तो इसका सही उत्तर है फैन कूल यूनिट, पंखा कुंडली इकाई, इसको बोलते हैं FCU, जो सामान्यतः होटल एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आती है। होटल के जो रूम्स होते हैं उन रूम्स के अंदर सामान्यतः FCU लगाई जाती है, इसको कंसील्ड यूनिट भी कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका है ए, FCU। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से मिलता जुलता सवाल है AHU से क्या अभिप्राय है। तो जैसे FCU जो है वो फैन कूल यूनिट होती है, उस तरह से AHU जो है वो एयर हैंडलिंग यूनिट को बोलते हैं, वायु हैंडलिंग इकाई। तो इसका सही उत्तर है ए, ये सामान्यतः ये भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के अंदर काम में आती है, और जो बड़े एरियाज होते हैं जैसे बड़े हॉल हो गए, बैंक्वेट हॉल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, बैंकिंग हॉल हो गए, इनकी कूलिंग करने के लिए AHU काम में ली जाती है, एयर हैंडलिंग यूनिट। तो इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, निम्न में से कौन सा तंत्र मल्टी रूम बिल्डिंग के अंदर काम में लिया जाता है। फैन कॉइल टाइप यूनिट, डक टाइप यूनिट, हाई वेलोसिटी कंड्यूट सिस्टम। तो ये तीनों ही सिस्टम में से कोई सा भी सिस्टम मल्टी रूम बिल्डिंग में काम में लिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वाही का प्रकार इकाई तंत्र में कक्ष की वायु कहलाती है। जो डक टाइप यूनिट सिस्टम होता है उसमें रूम एयर को क्या बोलते हैं। तो डक्ट टाइप यूनिट सिस्टम के अंदर दो एयर आपस में मिक्स होती है, एक तो वो जो कि डक्ट से आ रही है यानी कि जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपने लगा रखा है उससे आ रही है, और दूसरी रूम की एयर जो कि उसके अंदर मिक्स हो रही है। तो रूम की एयर को बोला जाता है सेकेंडरी एयर। तो इसका सही उत्तर है ए, सेकेंडरी एयर। इस तरह से इससे मिलता जुलता सवाल ये है
कि हाई वेलोसिटी कंड्यूट सिस्टम के अंदर रूम एयर को क्या बोलते हैं। तो जैसे पहले वाला सवाल था कि रूम एयर सेकेंडरी एयर को कहा जाता है, उस तरह इसके अंदर भी होगा, खाली यूनिट की टाइप चेंज हो गई है, मगर जो रूम एयर है वो सेकेंडरी एयर ही कहलाएगी। तो इसका भी सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, फैन कॉइल यूनिट पंखा कुंडली इकाई में फिल्टर कहाँ लगाए जाते हैं, कॉइल के बाद में, कॉइल के पहले, पंखे के बाद में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फिल्टर का काम होता है वह यह है कि किसी भी तरह की एयर में जो इम्प्योरिटीज है, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं, वो कॉइल के ऊपर कलेक्ट ना हो, क्योंकि यदि वो कॉइल के ऊपर कलेक्ट होंगे तो कॉइल से वायु के प्रवाह को वो अवरुद्ध करेंगे। तो इसलिए हमेशा जो फिल्टर लगता है वो कॉइल के पहले लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा बिफोर कॉइल, कुंडली के पहले, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, केंद्रीय वातानुकूलन तंत्र यानी कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के अंदर कंडेंसर का जो हॉट वाटर है उसको किस उपकरण के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है उसमें कंडेंसर में जो गर्म पानी होता है वाटर कूल कंडेंसर के अंदर, उसको एक कूलिंग टावर में भेज के उसको वापस से ठंडा किया जाता है, शीतलन मीनार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, शीतलन मीनार या कूलिंग टावर। क्वेश्चन नंबर 12, एक हाईवॉल एयर कंडीशनर को फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। ये स्प्लिट टाइप की यूनिट होती है हाई वॉल, जो कि दीवार के ऊपर लगाई जाती है। अब जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि हाई वॉल यानी कि दीवार पर लगेगी और एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर लगेगी। तो नॉर्मली जो लिंटल लेवल होता है, जिसको हिंदी में मठोड़ बोलते हैं, दरवाजे की जो ऊंचाई होती है उसके ऊपर सामान्यतः हाई वॉल एयर कंडीशनर को लगाया जाना चाहिए। तो वो ऊंचाई लगभग 7 से लेकर 8 फीट होनी चाहिए, ये ऑप्टिमम हाइट है जिसके ऊपर एक हाई वॉल एयर कंडीशनर को लगाया जाना चाहिए, यदि हमको उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करनी है। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा 7 से 8 फीट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, डक्ट टाइप यूनिट सिस्टम के अंदर डक्ट में प्रवाहित होने वाली एयर क्या कहलाती है। तो आप देखेंगे पहले एक सवाल था उसमें अपने ये पूछा था कि इस सिस्टम के अंदर रूम की एयर क्या कहलाती है। तो रूम की एयर थी अपने सेकेंडरी एयर, तो जो डक्ट के अंदर एयर प्रवाहित होगी उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी एयर, यानी कि ऑप्शन बी। इस तरह से हाई वेलोसिटी कंड्यूट सिस्टम के अंदर भी जो डक्ट में एयर प्रवाहित हो रही है उसको भी प्राइमरी एयर ही बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो भी बी होगा, प्राइमरी एयर, आंसर ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे स्प्लिट एयर कंडीशनर का था उस तरीके से ये है कि एक विंडो एयर कंडीशनर को फर्श से कितनी ऊंचाई के ऊपर लगाया जाना चाहिए। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि स्प्लिट एयर कंडीशनर 7 से 8 फीट की ऊंचाई के ऊपर लगाया जाना चाहिए, उसी तरह से एक विंडो एयर कंडीशनर जो है ये सिल लेवल के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि जिस लेवल से खिड़की शुरू होती है। तो सामान्यतः यह 2.5 फीट के लेवल के ऊपर जनरली रखी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2 से 3 फीट। आप देखेंगे कि विंडो एयर कंडीशनर के अंदर जो एयर बाहर निकलती है वो एकदम सीधी बाहर आती है, उसका जो फ्लो पैटर्न होता है वो फ्लो पैटर्न ऐसा होता है कि एकदम सीधा वो बाहर आता है। तो यदि विंडो एयर कंडीशनर को आप हाइट के ऊपर लगा देंगे, 7-8 फीट की हाइट के ऊपर, दरवाजे की हाइट के ऊपर यदि लगाएंगे, तो ज़्यादातर जो कूलिंग है विंडो एयर कंडीशनर की वो ऊपर के लेवल की हवा को ठंडे करने के अंदर व्यर्थ हो जाएगी, जबकि जो ऑक्यूपेंसी लेवल रहता है, ऑक्यूपेंसी लेवल का मतलब जिस लेवल तक हम रूम को ऑक्यूपाई करते हैं। तो सामान्यतः जब खड़ा होता है इंसान तो 6 फीट के लेवल तक ऑक्यूपाई करता है, और ज़्यादातर केसेस के अंदर बैठा रहता है या फिर बेड के ऊपर सो रहा होता है तो वो जो हाइट होती है वो होती है 3 फीट के लगभग। तो इसलिए 7 फीट के ऊपर की जो हाइट है उसको यदि आप कूल करते हैं तो वो एनर्जी की एक तरीके से वेस्टेज है। तो विंडो एयर कंडीशनर यदि आप ऊपर पर लगाएंगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो बेहतर ये होगा कि विंडो एयर कंडीशनर को 2 से 3 फीट की हाइट के ऊपर लगाया जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 से संबंधित जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अध्ययन करा। अगले लेक्चर के अंदर हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा
नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पर आधारित मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।